goal nations leading institute hello students today we are going to discuss the question of inorganic chemistry of the examination a spot test 07 for the nit 2024 which was held on 7th march 2024 we will discuss the inorganic question of this examination फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 56 नंबर मैच द कॉलम वन विथ कॉलम टू कॉलम वन कॉलम टू को मैच करना है कॉलम वन में कुछ कॉम्प्लेक्स गिवन है और कॉलम टू में इसका हैबिटाइजेशन गिवन है इसे इसको मैच करना है NiNS3 थ्री है पहला है एन आई एन एस थ्री का होल सिक्स प्लस टू तो निक्कल के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा प्लस टू आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन फोर एस जीरो थ्री डी एट आ जाएगा इस पे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ अमोनिया एक अमोनिया के स्ट्रॉग फील्ड की तरह बिहेव करता है एसएफएल है अमोनिया के स्ट्रॉग फील्ड की तरह बिहेव करना चाहता है यहां पर पे। पेरिंग करवाएगा फोरेस्ट इसका खाली है थ्री डी एट है फोरेस्ट खाली है फोर पी इसका खाली है और फोर डी भी खाली है फोर डी भी अमोनिया के स्ट्रॉग फील्ड की तरह बिहेव करे अमोनिया के स्ट्रॉग फील्ड लीगेंड है ऐसे निकल प्लस टू के लिए अमोनिया कंडीशनल होता है कभी कभी वीक फील्ड भी होता है कभी कभी स्ट्रॉग फील्ड भी हो, हो सकता है और कभी कभी कंडीशन आएगा तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे लेकिन यहां पे अगर बात करें अमोनिया तो एक स्ट्रॉग फील्ड की तरह बिहेव करेगा और एन आई प्लस टू में थ्री डी एट है थ्री डी एट है पेयरिंग करवाना चाहेगा और इसके लिए डी चाहिए दो दो डी खाली चाहिए पेयरिंग करवाने के बाद भी इसको एक ही डी मिल रहा है खाली कुछ फायदा हो नहीं सकता है तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर छ के लिए हम लोग एक चीज पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर छ के लिए वीबीटी में कि डी एट से लेकर डी टेन तक सारे कॉम्प्लेक्स ऑल कॉम्प्लेक्सेस आर आउटर ऑर्बिटल विथ एसपी थ्री डी टू हाइबाइजेशन डीएड से लेकर डी टेन तक के लिए सारे के सारे कॉम्प्लेक्स चाहे लीगन का नेचर स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो पेयरिंग नहीं करवा सकते हैं और सारे के लिए हाइब्रिडाइजेशन एसपी थ्री डी टू होता है आउटर ऑर्बिटर कॉम्प्लेक्स होता है तो ये इसको पेयरिंग नहीं करवा सकता है क्यों नहीं करवा सकता है क्योंकि पेयरिंग करवाने के बावजूद भी कुछ बहुत बड़ा हमको फर्क नहीं पड़ने वाला क्या एक ही और डी ऑर्बिटल खाली मिल रहा है और ऐसा संभव नहीं है कि एक ऑर्बिटल डी का थ्री डी का यूज कर लेकिन फोर डी का यूज कर ले ऐसा हाइब्रिडाइजेशन में अलाउ नहीं है तो इसीलिए इसको फोर एस यूज करना पड़ेगा फोर पी यूज करना पड़ेगा और फोर डी का दो यूज करना पड़ेगा और इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा एसपी थ्री डी टू इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा एसपी थ्री डी टू नेक्स्ट देखा जाए अगला नेक्स्ट PTCl4 PTCl4 2 माइनस तो प्लेटिनम के ऊपर चार्ज कितना है प्लस टू फोर और 5d के लिए 4d डी एंड फाइव के लिए ऑल लीगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑल लीगेंड्स आर एसेफिल इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ इट्स कार्बन हो या हाइड्रोजन हो सारे के सारे एसेफिल की तरह काम करते हैं किसके लिए फोर और फाइव के लिए तो प्लेटिनम प्लस टू होगा तो प्लेटिनम प्लस टू के लिए क्या हो जाएगा and 5D निकल का एलिमेंट है नहीं पढ़ोगे पीटोगे इसी का सबसे लास्ट फाइव डी सीरीज का एलिमेंट है तो फाइव डी सीरीज में सिक्स 6... इसका रीजन क्या होता है कि मैं बोल रहा हूं कि फोर डी एंड फाइव डी के लिए सारे के सारे लेकिन काम क्यों करते हैं क्योंकि उसका जेट इफेक्टिव बढ़ता है जेड इफेटिव फाइव डी का लेंथन वाइट उसके बाद 4D का सबसे कम जेड इफेक्टिव होता है थ्री का इस वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो लीगेंट को अगर इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा भी कमजोर होगी फिर भी वो स्ट्रॉन्गली खींच ले कर लेकर आएगा इसलिए उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है तो सिक्स एस जीरो फाइव डी एट हो जाएगा तो इसमें चार चाहिए चार मतलब एक ही डी चाहिए मुझे या तो डी टू होगा या फिर एसपी थ्री होगा तो एक ही डी चाहिए तो फाइव डी में एक दो तीन चार पांच छ सात आठ अब एक को पेर करवा सकता है एक को पेरिंग करवा लेगा एक को पेरिंग करवा के खाली कर देगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या यूज कर लेगा अपना एक डी और एस और पी टू डीएसपी टू ए स्क्वायर पर ज्योमेट्री हो जाएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा डीएसपी टू एन आई सी ओ फोर एनआईसी फोर का एक स्पेशल केस बनता है एन आई सी ओ फोर में एनआई के ऊपर चार्ज जीरो है याद रखिए एनआई के ऊपर चार्ज जीरो है एनआई के ऊपर चार्ज जीरो होगा इलेक्ट्रॉनिक कमिशन फोर एस टू थ्री डी एट हो जाएगा एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ फोर एस टू है फोर पी इसका खाली है मुझे चाहिए तो एक ही डी क्योंकि तो कोऑर्डिनेशन लिगेंड लिगेंड बनाया गया है उसमें सबसे पावरफुल है सीओ बहुत स्ट्रॉग फील्ड लीगेंड है तो पेयरिंग करवाएगा पेयरिंग करवा के डी तो खाली कर लिया कोई दिक्कत नहीं अच्छी बात है सर लेकिन इसका एस खाली नहीं है एस इसका अभी भी फुलफिल्ड है तो

अपना हाइब्रिडाइजेशन में मदद लेगा तो एस को खाली करवाता है एस को वैकेंट करवाता है और ए पेयरिंग हो जाता है कहां पेयरिंग करवाता है डी वाला थ्री डी एट है उसको थ्री डी टेन बना देता है और हाइब्रिडाइजेशन क्या यूज कर लेता है एस पी थ्री तो इसीलिए ऐसे लोगों को लगता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इससे बच्चे गलती करते हैं कि स्ट्रॉग फील्ड लिगेंड है इसका कॉर्डिनेशन नंबर चार है तो डीएसपी टू हाइबिडाइशन हो जाए करवाएगा डी एसपी टू हाइब्रशन स्क्वायर ज्योमेट्री लेकिन एनआई का जीरो चार्ज वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में एसपी थ्री हाइबिडाइशन होता है टेट्रा हेडल होता है तो एनआई सी ओ फोर में एसपी थ्री हाइबिडाइशन विथ टेट्रा हेडल ज्योमेट्री होता है नेक्स्ट देखा जाए अगला इसका अगला है सीओ ऑक्ट ओ एक्स का होल थ्राइस थ्री माइनस सीओ के ऊपर चार्ज थ्री प्लस है कोबाल थ्री प्लस के लिए प्लस के लिए ऑक्सीजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करना शुरू करते हैं ऐसे जो वीबिट में स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के बारे में पढ़ाया जाता है उसमें कार्बन नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं जनरली और ऑक्सीजन और हेलोजन को फील्ड में ट्रीट किया जाता है लेकिन मेटल के जेड इफेक्टिव बढ़ने से मेटल के जेड इफेक्टिव बढ़ने से या मेटल के इफेक्टिव घटने से स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड में लिगेरी होता है अगर मेटल का इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन एक स्ट्रॉग फील्ड की तरह बिहेव करना शुरू कर सकता है और मेटल का अगर जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा तो नाइट्रोजन एक वीक फील्ड की तरह बिहेव करना शुरू कर सकता है जैसे इसी में कोबाल्ट कोबाल्ट प्लस टू ले लेंगे तो कोबाल्ट प्लस टू के लिए ये नाइट्रोजन डोनर एक्ट एज लिगेंड लेकिन कोबाल्ट प्लस थ्री है इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बढ़ जाती है जब इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर बढ़ेगा तो उसका लिगेंड का स्ट्रेंथ को बढ़ाता है तो कोबाल्ट प्लस थ्री के लिए ऑक्सीजन डोनर एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऑक्सीजन डोनर एस एफ एल की तरह होते इसलिए यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन फोर एस जीरो सिक्स हो जाएगा और थ्री डी सिक्स में होगा एक दो तीन चार स्ट्रॉन्ग फील्डेंड है इसलिए पेरिंग करवा के मैं बात कर रहा हूँ पेयरिंग हो जाएगा पेयर्ड हो जाएगा इसका दो खाली हो जाएगा इसका अभी डायरेक्शन क्या हो जाएगा डी एस पी टू इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का डी टू थ्री हो जाएगा डी टू एस पी थ्री हो जाएगा तो चलिए पहला है एनआई इसका sp3d2 थ्री डी टू कौन सा ऑप्शन है सेकेंड तो इसका सेकेंड होगा टीसीएल फोर का डी एस पी टू है डी एसपी हाँ तो इसका थर्ड हो जाएगा इसका, SP3, SP3 हाँ पे? First, तो इसका first हो जाएगा पी टू फोर्थ हो जाएगा देख लीजिए कौन ऑप्शन ए का सेकेंड ए का सेकंड फर्स्ट में ही है बी का थर्ड बी का इसमें फर्स्ट है थर्ड ना तो A हो जाएगा, C का फर्स्ट और डी का फोर्थ इसीलिए 56 का क्वेश्चन 56 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 56 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 ये आसान सा क्वेश्चन है कुछ एलिमेंट का नाम गिवन है और ए, कुछ एलिमेंट का एटॉमिक नंबर गिवन है और इसका आईयूपीएसी नेम गिवन है इसका आईयूपीएसी नेम गिवन है कौन सही कौन गलत होगा इसको हम देख लेते हैं इसका होगा अन निल, पेंटीनियम इसका होगा अन सेप्टियम अन निल, एनियम। अन एनियम अन निलिनियम देख लो एक छूट गया है कौन सा छूट गया है यू एन ई छूट गया है ए वाला वन जीरो नाइन वाला छूट गया है वन जीरो नाइन वाला यहां पे छूट गया है इसको हम लोग देख लेंगे अपना इसका कौन सा होगा थर्ड कौन सा हो जाएगा सेकेंड इसका कौन सा हो जाएगा फोर्थ और इसका कौन सा हो जाएगा फर्स्ट तो ए का ए का सेकेंड ए का सेकेंड एक ही ऑप्शन दिख रहा है लेकिन और मिला लेते हैं ए का सेकेंड बी का ए का सॉरी ए का सेकेंड नहीं ए का थर्ड ना ए का थर्ड हो रहा है ए का थर्ड ए का थर्ड में एक ही ऑप्शन है लेकिन और देख लेते हैं बी का सेकेंड बी का सेकेंड सही है और सी का सी का फोर्थ ये भी सही है और डी का फर्स्ट डी का फर्स्ट भी सही इसलिए सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 59 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड आसान सा क्वेश्चन था नेक्स्ट देखा जाए अगला क्वेश्चन भी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 टू द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ मेटल के टाइन इज ये कार्बन फैमिली का मेटल कैटायन का बात कर रहा है तो कार्बन फैमिली का कार्बन फैमिली का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस टू एंड प्लस फोर में होता है तो प्लस टू की स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी बढ़ती है डाउन द ग्रुप और प्लस फोर की स्टेबिलिटी घटती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट इनट पेयर इफेक्ट का स्टेबिलिटी घटती है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है क्यों घटती है इनट पेयर इफेक्ट की वजह से इनट पेयर इफेक्ट की वजह से तो क्या हो जाएगा जैसे कार्बन प्लस टू है टीन प्लस टू है लेड प्लस टू है कार्बन प्लस फोर है सिलिकन प्लस फोर है जर्मेनियम प्लस फोर है टीन प्लस फोर है एंड लेड प्लस फोर है इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा लेड प्लस टू इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा इस दोनों में ज्यादा स्टेबल प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस सॉरी आई मेड मिस्टेक उल्टा लिख दिए हम लोग उल्टा लिख दिए चलो यहाँ पे सही कर देते हैं यहीं पे देख लेते हैं कौन है स्टेबल होगा प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर और इसमें कौन स्टेबल इस होगा प्लस टू देखो एक चीज याद रखना इनट पेयर इफेक्ट तो लगना शुरू हो जहां से डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है लेकिन इफेक्टिवली मतलब सही में कहां पे उसके स्टेबिलिटी को बिल्कुल घटा देगा वो सिर्फ लास्ट एलिमेंट में होता है जहां पे लेंथमायर कॉन्ट्रेक्शन आ रहा है वहीं पे इनर्ट पर इफेक्ट डोमिनेट करता है नहीं तो बाकी लगना तो शुरू हो जाए जर्मेनियम से क्योंकि यहां पर डीओबी आ गया यहां से लगेगा एप्लीकेबल है लेकिन मोस्ट इफेक्टिवली कहां पर जाएगा जहां पर लेंथम कांट्रक्शन आता है वहीं पे देखिए जैसे मेरे एसन प्लस टू एस एन प्लस फोर में ज्यादा स्टेबल कौन इन पेर इफेक्ट तो इसमें भी है लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन होगा एसएन प्लस टू एस एसन प्लस फोर एस एन प्लस टू ज्यादा स्टेबल नहीं है एसन प्लस फोर ज्यादा स्टेबल है

प्लस फोर और प्लस सिक्स में प्लस फोर ज्यादा स्टेबल होता है प्लस सिक्स कम स्टेबल होता है बाकी सब में वही चीज होती है सब में यही सब में यही कहानी है सब में यही कहानी है फैमिली में प्लस टू प्लस फोर नाइट्रोजन में प्लस थ्री प्लस फाइव तो नाइट्रोजन में भी यही कहानी है बिस्मत में जाकर प्लस थ्री ज्यादा स्टेबल हो जाता है प्लस फाइव लेस स्टेबल होता है उससे पहले सारे में प्लस फाइव ज्यादा स्टेबल है, होते हैं तो देखा जाए इसी के ट्रेंड पे लिखा हुआ है लेड प्लस टू और एसन प्लस टू में ज्यादा स्टेबल कौन है लेड प्लस टू गलत है लेट प्लस टू ज्यादा स्टेबल है ये गलत है अभी देखे लेट प्लस टू लेट प्लस टू और प्लस टू में ज्यादा स्टेबल कौन है लेट प्लस टू ज्यादा स्टेबल है गलत है लेट प्लस फोर और लेट प्लस टू में ज्यादा स्टेबल कौन है लेट प्लस टू ज्यादा स्टेबल बिल्कुल सही है इफेक्ट की वजह से रीजन क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट एस एन प्लस टू में गलत SN है Sn+4 प्लस फोर ज्यादा स्टेबल है इसलिए भी गलत है तो सही कौन सा होगा सिक्सटी टू का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड लेट प्लस फोर प्लस टू में लेट प्लस टू ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट नेक्स्ट देखा जाए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव विच आर द फॉलोइंग सेट कंटेंस स्पीसीज हैविंग सेम एंगल अराउंड द सेंट्रल एटम ठीक है एस एफ फोर है एस एफ 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 लोन पेयर इसका ठीक है सी एच फोर इसका हो जाएगा sp3d, थ्री डी सी एच फोर इसका हाइब्राइशन sp3 थ्री हो जाएगा और NH3 NH H H H इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा तो यहां पे एक लोन पेयर है इसे यहां विदाउट लोन पे दोनों का बॉन्ड एंगल सेम नहीं होगा ये तो हम लोग बहुत बच्चे से पढ़े, इसका 109 के आसपास होगा इसका 109.28 होगा इसका 107.5 के आसपास होता है तो दोनों का बॉन्ड एंगल सेम नहीं होगा ये गलत हो गया नेक्स्ट देखा जाए NF3 BCl3 थ्री सॉरी बीसीएल थ्री एस का इसका sp2 दोनों का बॉन्ड एंगल सेम नहीं हो सकता है दोनों का बॉन्ड एंगल सेम नहीं हो सकता है और एनएस थ्री इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 लेकिन सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनिक ज्यादा होता है बॉन्ड एंगल घटता है तो इसका बॉन्ड एंगल कम इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा तो इसका भी तीनों का सेम नहीं हो सकता है भी गलत है नेक्स्ट देखा जाए अगला इसको मिटा देता हूं थर्ड ऑप्शन देखते हैं हम लोग बी एफ थ्री एन एफ थ्री एंड एल सी एल थ्री इसमें एसपी टू हाइबेशन होगा इसमें एसपी थ्री होगा और इसमें एल सी एल थ्री में एसपी टू होगा ठीक है इसमें जीरो, इसमें जीरो, इसमें लोन लोन तो एक लोन पेयर है तो इसमें भी बॉन्ड एंगल सेम नहीं इसमें अगर अलग है तो बॉन्ड एंगल सेम हो ही नहीं सकता अगर है तो बॉन्ड एंगल सेम क्योंकि के लिए सबसे पहले हम लोग बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं उसके बाद स्टेरिकेस्पर लगाते हैं जो तीन रूल है लोन पेयर ज्यादा घटेगा ज्यादा बॉन्ड एंगल बढ़ेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और सराउंडिंग एटम ज्यादा बॉन्ड एंगल घटेगा तो जब हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा तभी जाके हम लोग आगे रूल देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन अलग होगा तो बॉन्ड एंगल सेम नहीं हो सकता है तो इसलिए इसका बॉन्ड एंगल सेम नहीं हो सकता बी एफ थ्री बी सी एल थ्री एंड बी बी आर थ्री बी एफ 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 बी सी एल सी एल सी एल बी बी आर बी आर बी आर एस पी टू होगा टू देखो टू सबका थोड़ा सा टू है सुनना अब बच्चों को क्या लगता है कि सर sp2 होगा तो इसमें स्टेरिक रिपल्सन तो लगेगा ना जिसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन स्टेरिक रिपल्सन के नाम से इसको जानते हैं तो स्टेरिक रिपल्सन लगेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा पहला बात यह है कि अगर स्टेरिक रिपल्सन के लिए पहला कंडीशन है कि सेंट्रल एटम पीरियड का हाइब्रिडाइजेशन किसपी टू और एसपी वाले के स्टेरिक लगता ही नहीं क्योंकि बॉन्ड एंगल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दोनों ग्रुप के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फिर स्टेरिक रिपल्सन काम ही नहीं करेगा तो इसलिए एसपी इस और एसपी टू वाले में स्टेरिक रिपल्सन जिसका नाम है सही नाम है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन नहीं लगता है किसमें लगता है सेंट्रल एटम विथ सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का विथ हाइब्रिडाइजेशन और सराउंडिंग एटम थर्ड पीरियड या उसके नीचे वाला हो तभी जाके स्टेरिक रिपल्सन ऑपरेटिव होता है तो किसी में स्टेरिक रिपल्सन नहीं लगेगा जब स्टेरिक रिपल्सन नहीं लगेगा तो सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है बॉन्ड एंगल सबका सेम होगा वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी एक बात और याद रखिएगा कितने बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा घटेगा तो उस पर चेंज नहीं आएगा नहीं अगर नो लोन पेयर नो वेस्पर अगर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो वेस्पर नहीं लगेगा वेस्पर का पहला रूल बोलता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा वेस्पर रूल जो बोलता है इससे पहला रूल है कि लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा दूसरा रूल बोलता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा और तीसरा रूल बोलता है इलेक्ट्रो ऑफ़ सराउंडिंग एटम बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा ये सब रूल तभी लगाएंगे ये दोनों में कंडीशन है कि लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट ये दोनों के लिए एक पहला कंडीशन जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट शुड बी प्रेजेंट एंड सेम इन नंबर एंड

तो फेस पर रूल नहीं लगाएंगे इस बात को याद रखिएगा इसलिए सबका बॉन्ड एंगल 120 120 120 और बराबर होगा तो बॉन्ड एंगल सबका बराबर किसमें होगा क्वेश्चन नंबर 65 का ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल ऑफ बी एफ थ्री बी सी एल थ्री एंड बीबीआर थ्री वन ली इसलिए सिक्सटी का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट फॉलोइंग फैक्ट इज डायरेक्टली एक्सप्लेन बाई द स्टेटमेंट ऑक्सीजन इज स्मॉलर देन सल्फर अच्छा ऑक्सीजन एक स्मॉलर एटम हैल्फर ठीक है इसे किस प्रोपर्टी को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं एस टू ओ बॉल्स एट मच हायर टेम्परेचर देन एस टू एस ना इसका बॉलिंग पॉइंट हाई होता है ड्यू टू नॉट ड्यू टू द साइज ड्यू टू दाइड्रोजन बॉन्डिंग मेजर रीजन इसका है हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मेंंडर गो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू द इलेक्ट्रोनगेटिविटी ऑफ देखो साइज छोटा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा लेकिन हम लोग ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि साइज छोटा है इस वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था हाइड्रोजन बॉन्ड का कारण होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो इसलिए इसमें भी नहीं रीजन होता है इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी साइज नहीं है H2O is liquid and H2S, H2S is gas at room temperature. इसका भी वो size नहीं region है. SS bond is longer than OH bond. बिल्कुल सही है. A more appropriate answer है. SS bond का bond length बड़ा होता है क्योंकि S और H में third and first shell का third shell का involvement है. Third shell आता है और O और H में second shell आता है. इसलिए इसका इसका bond length छोटा होगा, इसका bond length बड़ा होगा. तो करेक्टली और मोर अप्रोप्रिएटली कौन एक्सप्लेन करता है कि एस एस का बॉउंड लेंथ बड़ा होता है और ओ एस का छोटा होता है साइज के द्वारा एक्सप्लेन अच्छी तरीका से किया जा सकता है इसे 68 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसो बॉन्ड बॉन्ड लेंथ अब देखो एक बात और सीखिए बॉन्ड लेंथ के लिए हम लोग क्या देखते हैं सबसे पहले कि कंपेयरिंग एटम सेम पीरियड का है कि डिफरेंट पीरियड का है सेम पीरियड की डिफरेंट पीरियड अगर डिफरेंट पीरियड का होगा तो यहीं पे छट जाएगा पीरियड में शेल बढ़ेगा बॉन्डलेंथ बढ़ेगा देट सेट काम खत्म है यहां पे अगर सेम पीरियड का होगा तब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या देखेंगे सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्डलेन्थ

एक लोन पेयर एस डबल बाउंड हो डबल बाउंड हो ओ माइनस ओ माइनस एस डबल बाउंड हो डबल बाउंड हो डबल बाउंड हो एस डबल बाउंड हो डबल बाउंड हो एक लोन पेयर इसका रेजोनेंस है तो ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग जानते हैं सिग्मा बॉन्ड प्लस एक पाई बॉन्ड तीन जगह घूम रहा है तो वन बाई थ्री या फिर इसको पढ़ने के लिए पाई अपॉन सिग्मा बॉन्ड लिख देते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर वन प्लस और दो पाई चार जगह दो पाई बॉन्ड चार जगह तो एक जगह कंट्रीब्यूशन वन बाई टू तो वन वन पॉइंट फाइव बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा वन पॉइंट फाइव या फिर दो अपॉन पाई बॉन्ड अपॉन सिग्मा पाई बॉन्ड दो सिग्मा बॉन्ड चार टू बाई फोर वन बाई टू वन प्लस वन बाई टू वन पॉइंट फाइव इसका कुछ नहीं है एकदम कंप्लीट कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं कर रहा है बॉन्ड डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर एक्जेक्टली टू हो जाएगा और इसमें भी कोई कुछ, कुछ नहीं हो इसलिए इसका भी बॉन्ड ऑर्डर टू हो जाएगा

तो दोनों का बाउंड ऑर्डर तो सेम है लेकिन लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से इसका बाउंड लेंथ क्या हो जाएगा बड़ा हो, एसओ बाउंड बड़ा हो जाएगा तो इसलिए इसका बाउंड लेंथ बड़ा होगा इसका बाउंड लेंथ छोटा होगा तो सबसे बाउंड लेंथ का ऑर्डर होगा जिसका बाउंड ऑर्डर कम उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो सबसे कम इसका है तो एसओ थ्री टू माइनस का उसके बाद एसओ फोर टू माइनस का उसके बाद एसओ टू का एसो थ्री का और सबसे लेंथ बड़ा होगा ना एसो टू एंड एसओ थ्री एसो टू एंड एसो थ्री लोन पेयर की वजह से इसमें लेंथ बड़ा हो जाएगा इसका लेंथ थोड़ा छोटा होगा एसो टू एंड एसो थ्री देख लीजिए ऑर्डर कौन सा है एसो थ्री टू माइनस एसो फोर टू माइनस एसो थ्री एस गलत है एसो थ्री टू माइनस एसो फोर टू माइनस टू थ्री सही है ये तो हो ही नहीं सकता है ये भी नहीं हो सकता गलत है इसलिए सेवेंटी वन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर सेवेंटी फोर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विल बी नेम्ड एज डाइब्रोमाइडो तो बी आर टू का होल बी सीथलिन डायमिन ई एन का होल ट्वाइस क्रोमियम क्रोमियम थ्री इसका चार्ज थ्री इसका चार्ज माइनस टू इसका चार्ज जीरो तो पूरे पे चार्ज कितना हो जाएगा तो वन तो बाहर में कितना ब्रोमाइड होना चाहिए तो बाहर में ब्रोमाइड वन होना चाहिए ब्रोमाइड है बाहर में तो इसलिए ब्रोमाइड बाहर में वन होना चाहिए देख लो कौन सा फॉर्मूला है सी आर बी आर टू ई एन का होल ट्वाइस बी आर कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है तो इसलिए सेवेंटी फोर का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन इस सर्शन रीजन का क्वेश्चन है एस आई एफ सिक्स टू माइनस इज नोन बट एस आई सी एल सिक्स बिल्कुल सही है एस आई सी एल सिक्स एक्सिस्ट नहीं करता है ड्यू टू द स्टेरिक क्राउडिंग ऑफ सीएल ड्यू टू द स्टेरिक क्राउडिंग सीएल का बहुत बड़ा साइज है इसलिए उसका स्टेरिक क्राउडिंग हो जाता है सिलकन उसको अकोमोडेट नहीं कर पाता रिपलसन ज्यादा होता है मॉलिकुल अनस्टेबल हो जाता है इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है सिक्स लार्ज कोलराइड आयन कैन नॉट बी एकोमोडेटेड अराउंड एस आई फॉर बिल्कुल सही है ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ इट्स साइज बिल्कुल सही है सर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और रीजन एसन को बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है इसलिए सेवेंटी सेवन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड बोथ सर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सर्शन सही है तो सेवनटी सेवन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड नेक्स्ट देखा जाए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटी थ्री द इन करेक्ट ऑर्डर इज एच एफ एस सी एल का दिया हुआ एच एफ एस सी एल का मैं पूरा यहां पे प्रॉपर्टी को डिस्कस कर देता हूं अगर बॉन्ड लेंथ का बात करेंगे तो पीरियड चेंज हो रहा है इसलिए बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगा बॉन्ड एनर्जी घटेगा थर्मल स्टेबिलिटी घटेगा का बढ़ता है डाउन द ग्रुप बॉलिंग पॉइंट एच एफ का ज्यादा होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके बाद एच आई का होता है उसके बाद एच का होता है उसके बाद एच सी एल का होता है इसमें क्या लगता है वेंडावाल फोर्सेस एंड वेंडावाल फोर्सेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास आयोडीन का मोलिकुलर मास ज्यादा होगा इसलिए इसका

सीडी का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है बिल्कुल सही है थर्मल स्टेबिलिटी घट रहा है डाउन द ग्रुप घट रहा है बिल्कुल सही है बॉलिंग पॉइंट एच एफ एस सी एल एच बी आर और इतना गलत है ना इसका बॉलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए एच एफ उसके बाद एच आई देन एचबीआर देन एस सी एल ये गलत हो गया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड एनर्जी एच एफ एस सी एल एच बी आर एच आई बिल्कुल सही है देखो यही ऑर्डर है तो ये भी सही है क्या पूछ रहा है इनकरेक्ट ऑर्डर तो इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा है थर्ड एटी तो थ्री का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड नेक्स्ट 86 सिक्स द ट्रांजिशन मेटल हैविंग मैक्सिमम डेंसिटी मैक्सिमम डेंसिटी के लिए क्या चाहिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है मास कम हो वॉल्यूम सॉरी मास ज्यादा हो वॉल्यूम कम हो यही तो चाहिए हमको डेंसिटी हाई होने के लिए मास ज्यादा हो और वॉल्यूम कम हो तो हम लोग को पता है कि लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो साइज घटता है ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्ट साइज डिक्रीजेस क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ता है और मास तो मॉलिकुलर मास तो बढ़ता ही है तो यहां पे कौन कौन सा है स्कैंडियम है वेनेडियम है क्रोमियम है और कॉपर है इधर से इधर जाएंगे साइज क्या हो रहा है घट रहा है और मास क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो इस वजह से डेंसिटी क्या होगी बढ़ेगी तो समझा रहे डेंसिटी किसकी हो जाएगी कॉपर की कॉपर हैज गॉट द मैक्सिमम डेंसिटी तो 86 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड नेक्स्ट 89 क्वेश्चन नंबर अगला है 89 नाइन द करेक्ट ऑर्डर फॉर द मेल्टिंग पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर डी ब्लॉक में है तो हम लोग तो पढ़ चुके हैं मेल्टिंग पॉइंट का एक ग्राफ है, है और एलिमेंट है इस तरह से होता है स्कैंडियम क्रोमियम मैंगनीस आयरन कोबाल्ट, निकल, कॉपर जिंक और इसके ऊपर फिर फाइव का होता है कौन कौन सा है आयरन दिया है निकल दिया है कॉपर दिया है और जिंक दिया है तो बिल्कुल आयरन से लेकर जिंक तक रेगुलर डिक्रीमेंट होता है आयरन का देन, निकल, देन, देन जिंक क्या पूछ रहा है करेक्ट ऑर्डर ठीक है तो सबसे ज्यादा होना चाहिए आयरन का सबसे ज्यादा आयरन का उसके बाद निकल का उसके बाद कॉपर का उसके बाद सबसे कम जिंक का होना चाहिए बिल्कुल सही है फर्स्टिंग ऑप्शन सही है 89 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिस इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन निकल कॉपर एंड जिंक आयरन निकल कॉपर एंड जिंक नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 एसिडिक ऑक्साइड इज एस एन ओ एम्फोटेरिक है आज सब गाय पंजाबी सॉन्ग सॉन्ग जनाबे अली भी बेकार गया पंजाबी ये भी एम्फोटेरिक है सीओ न्यूट्रल है जीओ एस एसिडिक है जर्मेनियम एक एम्फोटेरिक सॉरी मेटेलॉयड है और मेटेलॉइड की जो प्रॉपर्टी होती है वो इस नॉन मेटल जैसा होती है इसलिए मेटेलॉइड के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं किसको छोड़कर ऑल बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं बच्चे बोलते हैं सर एम्फोटेरिक होना चाहिए एम्फोटेरिक होते हैं ऐसा कुछ अपना सोच लेते हैं मेटेलॉयड की सारी प्रॉपर्टी नॉन मेटल जैसा होती है मेटेलॉइड की सारी प्रॉपर्टी नॉन मेटल जैसा होती है इसलिए मेटेलॉइड की जो ऑक्साइड होती है वो एसिडिक होती है किसको छोड़कर एक्सेप्ट एक्सेप्ट एम्फोटेरिक एक्सेप्ट एम्फोटेरिक जिस तरह से नन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं एसिडिक किसको छोड़कर एक्सेप्ट अभी सही बच्चा बोल देगा एम्फोटेरिक नन मेटल के ऑक्साइड कभी एम्फोटेरिक नहीं बन सकते हैं कभी नहीं बन सकते एक्सेप्ट न्यूट्रल एक्सेप्ट न्यूट्रल ऑक्साइड इस बात को याद रखना है तो जी ओ कैसा होगा जी ओ एक मेटोलॉयड है जर्मेनियम एक मेटोलॉयड है और मेटोलॉयड के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं एम्फोटेरिक को छोड़कर एम्फोटेरिक है नहीं आज सब पंजाबी सॉन्ग जनाबे अली भी बेकार गया तो कहा उसमें जर्मेनियम आता नहीं इसलिए जर्मेनियम एक एसिडिक नेचर का होगा तो नाइनटी का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एमोंग रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट इज और इन करेक्ट कौन सा है ई टू ओ थ्री टाइप ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर प्योर बिल्कुल सही है इन टू ओ थ्री एंड पी टू ओ थ्री आर प्योरली एसिडिक प्योरली एसिडिक वही आर्सनिक एंड एंटीमोनी आर्सनिक का और होता है ए एस टू ओ फाइव एस बी टू इसका फाइव होता है तो आर्सनिक एंटीमोनिक्लस थ्री एम्फोटेरिक होता है लेकिन प्लस फाइव बेसिक होता, ए, होता है ठीक है हमको नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए पूछा है नाइट्रोजन फास्फोरस का एन टू ओ थ्री एन टू ओ फाइव पी टू ओ थ्री पी टू ओ फाइव दोनों के दोनों प्योरली एसिडिक होते हैं सही स्टेटमेंट है एन एस थ्री एक्सिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन लिक्विड स्टेट वन गलत है लिक्विड स्टेट एज वेल एज सॉलिड स्टेट दोनों में एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसका सॉलिड स्टेट दोनों में एग्जिस्ट करता है इसलिए यही मेरा गलत स्टेटमेंट है तो नाइनटी फाइव का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड ये सही स्टेटमेंट है गलत स्टेटमेंट पूछा तो गलत स्टेटमेंट यह है एन एस थ्री एक्सिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन लिक्विड एज वेल एज सॉलिड स्टेट ये सही है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम एसओ टू टू टी टू बिल्कुल सही है एसओ टू एक रिड्यूसिंग है एक रिड्यूसिंग ऑक्साइड है वेयर एज टी टू एक ऑक्सीडाइजिंग है टी टू ऑक्सीडाइजिंग ऑक्साइड है और ए रिड्यूसिंग नेचर होता है बिल्कुल सही है द एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम एस टू ओ टू एस टू टी ये तो सारे सारे हाइड्राइड में नाइट्रोजन फैमिली हो ऑक्सीजन फैमिली हो हाइलोजन फैमिली हो सारे के हाइड्राइड में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ए सीडी का स्ट्रेंथ बढ़ता है इसका दो रीजन है एक तो बॉन्डलैन बढ़ेगा बॉन्डलैंड बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगा बॉन्ड एनर्जी घटेगा तो आसानी से एस प्लस देगा।, देगा तो एसडी के स्ट्रेंथ तो ज्यादा होगा दूसरा बात एच प्लस देने के बाद जो कंजुगेट एनआईन बनता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि डांुप जाने पर साइज बड़ा होता है जितने बड़ा साइज होगा एनायन का उसका डिलोकलाइजेशन होने के चांस उतना ही ज्यादा होगा बड़ा एरिया में डिलोकलाइज हो जाएगा और जब बड़ा एरिया में डिलोकलाइज होगा तो चार्ज डेंसिटी घटेगी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो इसीलिए सारे हाइड्राइड में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एसिडी के स्ट्रेंथ बढ़ता है इसलिए एसिडी के स्ट्रेंथ का ज्यादा होगा तो 95 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो कि इनकरेक्ट है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 98 क्वेश्चन नंबर 98 अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 एट द पीओ इन पी फोर ओ सिक्स पी फोर पी पी <coughs> ये पी फोर ओ सिक्स दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पी फोर ओ सिक्स काउंट कीजिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह पीओ बॉन्ड्स इन पी फोर ओ सिक्स इज ट्वेल्व इसलिए 98 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड दिस इज ऑल अबाउट योर इनऑर्गेनिक क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच